जय हिंद साथियों, आज हम लोग साइक्लोन यानी कि चक्रवात के बारे में समझते हैं। चक्रवात का मतलब है चक्करदार हवाएं जो बहुत तेजी से ऊपर उठती हैं। अब साथियों, ये तेजी से ऊपर क्यों उठती हैं और ये बनते कैसे हैं, तो यहां पर अगर आप समझेंगे तो देखिए, बहुत तेजी से गोल घूमकर बहुत तेजी से सर्किल मैनर में ये ऊपर उठती हैं, इन्हीं को हम चक्रवात कहते हैं। अब इसके पीछे अगर हम कारण देखें तो साथियों, इसमें सेंटर में लो प्रेशर हाई टेम्परेचर होता है, उच्च तापमान के कारण हवा तेजी से गर्म होकर ऊपर उठती है, जबकि किनारों पर यह हवा नीचे बैठती है, फिर किनारों से आती है ऊपर उठती है। अब इसको चक्करदार घुमाता कौन है, तो इसका मेन कारण है हमारी पृथ्वी का कोरियोलिस इफेक्ट। जो हमारी पृथ्वी का कोरियोलिस इफेक्ट अगर देखेंगे तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ऐसे में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी हवाएं होती हैं, वाटर करंट होते हैं, वो राइट साइड डिफ्लेक्ट होते हैं, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर की जो हवाएं हैं, वाटर करंट हैं, ये लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट होती है। ऐसे में होता क्या है कि ये जो लो प्रेशर वाला जोन है, यहां हवा तो तेजी से ऊपर उठ रही है लेकिन ये चक्करदार गोल गोल घूम करके ऊपर उठती है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से गोल 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 घूमकर ऊपर उठ रही है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसी को हम क्या बोलते हैं, चक्रवात कहते हैं साथियों। यानी कि चक्करदार हवाएं जो बहुत तेजी से ऊपर उठती हैं, उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, चक्रवात। इसका घूमने के कारण कोरियोलिस इफेक्ट है। बात समझ में आए? सेंटर में साथियों लो प्रेशर हाई टेम्परेचर होता है, जबकि किनारे पर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर का जोन होता है। ऐसे में किनारों से हवाएं बहुत तेजी से सेंटर में आती हैं और साथियों ऊपर की ओर उठती हैं। साइक्लोन के इफेक्ट के कारण क्लाउड बनते हैं और वर्षा होती है। ऐसी वर्षा साइक्लोनिक रेनफॉल के लिए जानी जाती है। भारत में टोटल साइक्लोनिक रेनफॉल अगर बताएं तो टोटल का, जैसे 100% अगर बारिश हो तो टोटल का 10% जो वर्षा होती है साइक्लोनिक रेनफॉल की वजह से होती है। समझ रहे हैं? और ये दो तरीके के होते हैं। अगर ये ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, और अगर ये टेम्परेट रीजन में आते हैं तो इसे टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। जैसे अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन यानी कि कर्क से मकर के बीच में आते हैं तो इसे ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, जबकि कर्क यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्किल के बीच में आते हैं तो इसे टेम्परेट साइक्लोन यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ऐसे यहां भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा से अंटार्कटिक सर्किल के बीच में आते हैं तो इसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ऐसे ही अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।